वेलकम टू अवर चैनल लाइफ इन ट्रेडिंग। कल के लिए अपने पास तीन स्टॉक है, जिन तीन स्टॉक में हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। कल यानी कि 4 तारीख मीन्स 4 अगस्त। तो 4 अगस्त में हम लोग तीन स्टॉक कौन कौन सा है सबसे पहले जान लेते हैं। HDFC लिमिटेड, विप्रो और हिंदुस्तान पेट्रोल मीन्स ये तीन स्टॉक है जिन तीन स्टॉक में हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। और 2-3 दिन से हम एक्टिव नहीं रह पा रहे थे, थोड़ा हम शिफ्ट हो रहे थे जिसके वजह से हम थोड़ा इशू था, तो जिसके वजह से हम एक्टिव नहीं हो पा रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा नेट का भी इशू है, बट एनी हाउ अगर तीन तो स्टॉक अगर हम लोग का आज कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग शेयर कर पाएंगे। तो निफ्टी को अगर आप सही से फॉलो करके देखेंगे तो निफ्टी यहाँ से ऑल टाइम हाई ये ब्रेक किया, 15,958 जो था इसका ये ऑल टाइम हाई था। ब्रेक करते ही निफ्टी 16,130 के पास चला गया, मीन 16,200 तक का जो अपना टारगेट था, जो हम हमेशा अपडेट देते थे मार्केट, वहाँ तक पहुँचने वाला है। और ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट था, मीन्स प्रीवियस डे यानी कि कल ही हम लोग को ये ब्रेकआउट मिल गया था, बट कल मूवमेंट नहीं आया था और आज मार्केट गैप अप ओपन होके मूवमेंट क्लियर हो गया और मार्केट अपने टारगेट की तरफ चला गया। तो कल भी मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा तो दिक्कत नहीं है। कल के लिए अपने पास जो तीन स्टॉक है, पहला नंबर पर हिंद पेट्रो जिसमें हम लोग ट्रेड लेंगे। अब हिंद पेट्रो में हम लोग बाई कहाँ पर करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, टारगेट कहाँ लगाएंगे, इसको जान लेते हैं। तो हिंदुस्तान पेट्रो ये कुछ दिन से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। अब ये जो डाउन ट्रेंड था यहाँ पे आया ब्रेक और ये ब्रेक होते ही मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो अब 276.3 है इसके ऊपर ये ब्रेकआउट पॉइंट है। 276.3 के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे। 272 का स्टॉप लॉस रहेगा, फर्स्ट टारगेट बुक करेंगे 279 और सेकेंड टारगेट बुक करेंगे 290। याद रहे फर्स्ट टारगेट पे अपना 70-80% अपना पोजीशन कवर कर लेंगे, बाकी का 20% छोड़ देंगे अपर टारगेट के लिए। बड़ा टारगेट है बट यहाँ तक मार्केट पहुँचेगा नहीं, यहाँ तक पहुँचने के लिए 1-2 दिन टाइम लग सकता है। मीन्स आप इसको पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इस टारगेट के लिए। सेकेंड नंबर पर है विप्रो। विप्रो में अपने को कल बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बट वेट करना है, अगर कन्फर्म ब्रेकआउट मिलेगा तो ही आपको ट्रेड लेना है, उससे पहले ट्रेड नहीं लेना है। तो आप ब्रेकआउट आए तो ही ट्रेड ले, उससे पहले ट्रेड ना ले। तो थोड़ा नेट का इशू है बट एनी हाउ ये हो जाएगा। 602 के ऊपर इसको बाई करना है, तो 601.85 का ये इसका प्रीवियस हाई, इस हाई के ऊपर जब जाएगा तो आपको बाई करना है। 595.65 का SL रहेगा और जो टारगेट रहेगा 612.5, मीन्स 612 पे आप अपना कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। थर्ड नंबर पे हम अपने पास HDFC लिमिटेड, और HDFC लिमिटेड एक कुछ दिन से कंटिन्यू अपर मूव दे रहा है और ये एक ब्रेकआउट पॉइंट पे है जहाँ पे मार्केट बार बार रेसिस्टेंस लग के नीचे गिर जा रहा था। तो ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट है जहाँ से रेसिस्टेंस ब्रेक होते ही मार्केट और ऊपर की तरफ भागेगा। तो इसमें ट्रेड तभी लेना है जब ब्रेकआउट आएगा, विदाउट ब्रेकआउट मार्केट यहाँ से वापस नीचे गिर सकता है, याद रहे। तो कंफर्म ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है। 2560.4 के ऊपर जाएगा तो बाई करेंगे। 2533 ये जो प्रीवियस लो है, इस लो के पास में अपने को स्टॉप लॉस लगाना है। बाई चांस अगर मार्केट नीचे आता है यहाँ तक का लॉस होगा, आपको जो भी लॉस हो वो लॉस को लेकर निकल जाना है। तो 2533.8 का स्टॉप लॉस रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 2593 का और सेकंड टारगेट रहेगा 2665। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ये हम टेम्प्रोरी ऐसे बना दिए, थोड़ा सा टाइम मिला वरना ये शायद हम वीडियो अपलोड नहीं करते, बट एनी हाउ थोड़ा सा टाइम मिला तो सोचे कि कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपके संग शेयर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 3-4 दिन से आप लोग से दूर थे तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। और यहाँ पे थोड़ा नेट वगैरह का इशू है तो उसको ठीक होते ही और अच्छे से हम लोग एक्टिव आ पाएंगे, तो इसलिए छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बना रहे हैं। और ट्रेडिंग अच्छे से कीजिएगा, आज 3 तारीख है और ये वॉच लिस्ट कल का है, तो अच्छे से ट्रेड लीजिएगा। और ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है अपने को, स्टॉप लॉस जो है अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, जो भी लॉस हो लॉस बुक करके आपको एग्जिट कर देना है ट्रेड। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा का सारा पेजेस एंड ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।